कोई ड्रेस कोड नहीं है तो जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, तुमसे मिलके देखा है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहता है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दें यार, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। और कोई मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। मतलब हम लोग बच्चों से जनरल रिव्यू लेंगे। एक डीवीडी का जो बॉयज वॉशरूम है भाई, उसके जितना हमारा सारन सी है। अरे ये तो धोती खोल रहा है और वो भी मेंटेन करने में इनको पड़ जाती है, देख रहे हो सब भाई। 12 बजे बाहर निकलने देते डीवीडी जैसा है। जब मर्जी तब डीवीडी में कोई ड्रेस कोड नहीं है तो मेरी कोई ड्रेस कोड नहीं भाई। डीवीडी भाई इतना प्यारा कैंपस, मुझे आसपास के कॉलेजों में तो कहीं नहीं मिला। बेसिकली आपको एज अ स्टडी के लिए आना है तो आप राम स्वरूप जाइए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं स्वागत करता हूँ आपका आज के इस नए व्लॉग में। वैसे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं कॉलेज और ये बाइक हमारी पार्क है स्पेशली यहाँ पे, है ना। यहाँ किसी गाड़ी और नहीं खड़ी होती, सिर्फ मेरी खड़ी होती है। भैया जी हमारे बता दीजिए बोलने। मैं चाहता हूँ यार आप लोग वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक कर दें यार, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। मतलब व्यूज कितने और मतलब कि लाइक देख लिए गाइस, कितने आराम से हो जाते हैं, पर लाइक तो साला 100 भी हो भूल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पे प्रभात बताएंगे कि आज व्लॉग में क्या होने वाला है। गाइस आज का व्लॉग वही है जिसका आप लोग वेट कर रहे थे काफी दिनों से, काफी टाइम से गाइस वेट कर रहे थे। बीबीडी बस से राम स्वरूप नहीं करवाया था आपका रिव्यू करना था बच्चों से, तो आज बच्चों से मिलेंगे। और कोई मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। मतलब हम लोग बच्चों से जनरल रिव्यू लेंगे, राम स्वरूप के बच्चों से लेंगे और प्लस बीबीडी बच्चों से जाके उनसे भी लेंगे। मतलब बीबीडी में जाके पूछेंगे कि यार बीबीडी कैसा है, उन्होंने राम स्वरूप क्यों नहीं लिया, है ना। और राम स्वरूप से पूछेंगे आपने राम स्वरूप क्यों लिया, बीबीडी क्यों नहीं लिया। तो गाइस क्या क्या मतलब यहाँ के ड्रॉबैक्स हैं, क्या यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट हैं, क्या क्या बीबीडी के मतलब नेगेटिव पॉइंट्स है ना। कैंपस तो वहाँ का काफी अच्छा है, कैंपस तो काफी पढ़ाई के बारे में क्या है, अंदर का हाल क्या है, वो जाके खोद के निकालेंगे हम लोग, ठीक है। हावड़ा न्यूज। तो गाइस मिलते हैं आपसे लंच के बाद, फटाफट से हम लोग की कुछ क्लासेस हैं उनको निपटा लेते हैं। देख सकते हैं आप धूप कितनी, इसलिए हम गॉगल्स लगा रखे हैं। गॉगल्स चाचा सुन रहे हैं ध्यान से, कितना चाचा बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, कहां सुन रहे हो भैया, बता दो स्कूल के बारे में। गाइस ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं फटाफट से क्लासेस के लिए, फिर मिलते हैं आपसे लंच में, दिखाते हैं कुछ धमाकेदार। ओके भाई। सो गाइस यहां पे हो चुका इंटरवल, प्रभात खा रहे लंच, हम तो भाई सेब लाए थे खा लिया, गरीब आदमी एक सेब लेके आया है। हाँ भाई जो भी कह लो। सो गाइस यहाँ पे हम लोग का हो चुका है इंटरवल, तो मिल गए हमारे कुछ दोस्त लोग जो कि जूनियर्स हैं। तो इनसे पहले यार रिव्यू ले लेते हैं ना कि मतलब बीबीडी की तुलना में राम स्वरूप कैसा है और इन्होंने राम स्वरूप क्यों लिया, बीबीडी क्यों नहीं लिया ना। तो शुरुआत करते हैं जग्गी भाई से हमारे, ठीक है भाई। मेरा इससे ये कहना है कि भाई मैं बीबीडी पढ़ाऊँ एक साल। बीबीडी पढ़े हो एक साल? हाँ भाई। ये गाइस देखिए, इनसे जेन्युइन रिव्यू कोई नहीं दे पाएगा भाई। बीबीडी का जो बॉयज वॉशरूम है भाई, उसके जितना हमारा सारन सी है। अरे भाई साहब, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक नंबर, ये तो सही है भाई। और वो भी मेंटेन करने में इनको पड़ जाती है, देख रहे हो सब घास। और वो इतना बड़ा है भाई, वो एकदम फुल मेंटेन रहता है। और कुछ भाई? भाई फैकल्टी वगैरह भाई, फैकल्टी यहाँ के भाई बड़े भाई, फीमेल की बात करें जो बड़े अच्छे हैं। अच्छा। भाई मेल की बात करें जो, तो भाई मेरी उनसे बनती नहीं। अच्छा, सारे हमके ना। हाँ। और वहाँ बीबीडी में कैसे लगे थे? बीबीडी में भाई पिकनिक ग्राउंड है भाई, वो समझ में आओ। अच्छा, पिकनिक ग्राउंड है भाई, वहाँ पे फुल एंजॉयमेंट करते हैं। फुल एंजॉयमेंट है, बाकी ये बताए फुल एंजॉय करना तो वहाँ जाओ। मतलब रोड खर्च के लिए जाना पड़ता है ग्राउंड, वहाँ पे सड़क पार करी ग्राउंड, ये तो सही है भाई। फैसिलिटी बहुत है बीबीडी के पास, बहुत है भाई। यहाँ देखिए कुछ नहीं है। हाँ भाई, मेरे घर से 1.5 किलोमीटर। एक और चीज भाई, कैंटीन में बताओ, कैंटीन आ गए भाई। बीबीडी की कैंटीन भाई मैं बताऊँ, जैसे यहाँ का पूरा कॉलेज ही भाई, यहाँ के समोसे मैंने देखे भाई, एक नंबर समोसे भाई, जो आलू के वो लोग पैर रख के भागते हैं ना भाई। स्पेस भी वहाँ ज्यादा है भाई, कसम से भाई। मैंने इनको 200 समोसे का ऑर्डर दिया था, आज तक नहीं मिला। अच्छा भाई बीबीडी में भाई, वो मेरे को कह रहा भाई तू 200 समोसे ले, मेरी गर्दन पकड़ ली थी भाई। बहुत बढ़िया भाई, स्पेस भी वहाँ कितनी बड़ी बड़ी कैंटीन, मतलब 3-4 कैंटीन है उसके अंदर। तो अब आ जाते हैं हमारे जसप्रीत भाई।
बाकी अगर जैसे फिल्मों वाला कॉलेज चाहिए वो तो बिल्कुल स्टूडेंट ऑफ द ईयर पूरा बीबीडी वाला कॉन्सेप्ट है। अगर बंदा पढ़ाकू टाइप है मतलब जिसको हाँ कुछ देखना है आप लोग सेकंड ईयर में आते हो इंटर्नशिप कराई जाती है तो मेरा वहाँ एक साल पढ़ा हुआ हूँ। यहाँ मैं एस आर एन सी एम में खाली बीटेक इंटर्नशिप करने आया हूँ और इंटर्नशिप करने का सर्टिफिकेट लेके चला जाऊंगा मैं वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे अभी इतना पता समझ में आ रहा है मुझे कि बीबीडी प्लस में चल रहा है क्यों एस आर एम सी एम की तो सब नेगेटिव में जा रहे हैं मतलब उसी को सब अच्छा बता रहे हैं। यहाँ आके फंस गए हैं ये वो अब पता तब चलेगा असली जब वहाँ जाके हम लोग पता करेंगे कि वहाँ के लोगों को क्या कहना है। बस एक एक और चीज़ है सिर्फ आप लोग इतने पता बीबीडी बढ़िया हर चीज़ में प्लेसमेंट का बता दे थोड़ा गाइस प्लेसमेंट में तो बेटर है हम लोग का कहाँ कुछ प्लेसमेंट हो रहा है भाई कुछ नहीं है प्लेसमेंट क्या पता लग रहा है तुम लोग को क्या भाई कुछ प्लेसमेंट नहीं है भाई कहाँ लगा कुछ नहीं लगा ये तो मतलब इतनी बात बहुत फैली है प्लेसमेंट की क्यों चर्चे चर्चे बहुत गाइस सब लोग भाई लोगों ने अपना रिव्यू हम लोग चलते हैं थोड़ा और लोग से पकड़ते हैं किसी और को पकड़ते हैं थोड़ा गर्ल्स का रिव्यू लेते हैं क्यों जग्गी भाई बुलवा दीजिए अपने कुछ लोग और मिल चुके हैं तो जान लेते हैं यार बीबीडी क्यों नहीं गए राम स्वरूप क्यों आया ना मैं बीबीडी से नहीं गई क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन बीबीडी से ही किया है और मुझे सेम कॉलेज से मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना सही नहीं लगा और यही है अगर आपको एज अ स्टडी के लिए आना है तो आप राम स्वरूप जाइए अगर एज अ फन अगर एज अ फन के लिए जाना है तो वहाँ मतलब पिकनिक मना रहे तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ बीबीडी भाई ये देखो भाई यहाँ आ चुके हैं यार रिव्यू के लिए मतलब एस आर एम में जो हुआ तो आप लोगों ने देख लिया शूट कर चुके थे अब बीबीडी के बच्चे पूछेंगे ना। तो गाइस फटाफट से हम लोग चलते हैं कैंटीन में है ना कैंटीन काफी भयंकर है यार बड़ी सी तो वहीं जो लोग मिलते हैं तो उनसे पूछ के आप लोग को रिव्यू दिखाते हैं ना क्या मानना है तो बैकग्राउंड देखो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं देखिए यहाँ बीबीडी पहुंच चुके हैं यहाँ पे देखिए कुछ भाई लोग मिले फोन आगे सही यहाँ पे जानते हैं यार मतलब कि बीबीडी के बच्चों से कि यहाँ पे मतलब इन्होंने बीबीडी में क्यों लिया राम स्वरूप में क्यों ले लिया ना तो पहले शुरू करते हैं भाई से क्या नाम भाई आपका अंकुर अंकुर नाम कौन सा ईयर सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर भाई भाई बीबीडी भाई इतना प्यारा कैंपस मुझे आसपास के कॉलेजों में तो कहीं नहीं मिला बेसिकली मैं लोकल भी हूँ तो मुझे सबके सारे कॉलेजों के बारे में पता है इस बात से सहमत तो है मिनसी क्योंकि इतना प्यारा कैंपस इतने सारे इवेंट्स होते हैं पढ़ाई भी होती है लेकिन हाँ अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। अरे भाई ये बहुत अच्छी चीज है भाई और डिसिप्लिन नहीं आप ऐसे रहिए जैसे नॉर्मल है आप फुल कॉलेज लाइफ आप एंजॉय करिए पूरा घूमिए अटेंडेंस का दुख है राम और ड्रेस कोड का क्या सीन है ड्रेस कोड कुछ नहीं, नहीं, नहीं वैसे आप फ्राइडे को अगर आप सेकंड ईयर में तो आप फ्राइडे को सिर्फ पहन के आइए इनको देखिए इनको फोर्थ ईयर में ड्रेस पहने टाई ये प्रेशर इनकी टाई अभी हम निकाले हाथ से अपने यही प्रेशर नहीं है यहाँ पे यही सेम प्रेशर नहीं है भाई आप बताओ भाई ये देखो फर्स्ट ईयर वाला देखो कैसे घूम रहा है कैंपस बड़ा है और फंक्शन बहुत ज्यादा होते हैं लड़कियां हैं बहुत सारी भाई क्या बोल रहे हो भाई राम राम भाई सारे बहुत सही भाई राम राम भाई बीबीडी के बारे में कुछ तो कॉलेज है भाई राम स्वरूप से अच्छा है भाई राम स्वरूप से किस लिए अच्छा है तुमने एडमिशन किया किस लिए राम स्वरूप से हर चीज में अच्छा भाई लड़कियां भी अच्छी है थोड़ा सीरियस बात पे आ जाते हैं नहीं कुछ न्यूज तो आई होगी की थर्ड ईयर में आपको अटेंडेंस मैंडेटरी हो जाती है उस पर टीचर्स ज्यादा फोकस भी करते हैं और कहते हैं आपको रेगुलर क्लासेस दीजिए आप लोग को आई हो कुछ समझ में आया हो भाई लोग से मिलके देखते हैं और भी अगर मिलता है तो उसको पकड़ते हैं पूछते हैं की क्यों आए है ना सुबह यहाँ पे हम लोग को यार कुछ और लोग मिल चुके हैं बीबीडी में है हम लोग तो इन लोग से भी जान लेते हैं लड़के तो बहुत मिले अब लड़कियों से थोड़ा पूछ लेते हैं ना कि कॉलेज कैसा है लगा है इनको मतलब एस आर एम क्यों नहीं लिया यहाँ क्यों आए है ना तो आपने बीबीडी क्यों चूज किया बीबीडी में कोई ड्रेस कोड नहीं है तो मेरी कोई ड्रेस कोड नहीं है
लेकिन वहाँ पे एग्जाम्स वगैरह हर हफ्ते को जाते हैं। कौन सा कोर्स है आप लोग? अच्छा, वहाँ की स्ट्रिक्टनेस होंगे, यहाँ ले लिया कैंपस के बारे में कुछ नहीं, रिग्रेट किसका है भाई, क्या बता रहे? बस रिग्रेट यहाँ पे आके बस यहाँ पे आते हैं, जब लोग क्लासेस होती है और लोग क्राउड में बैठे रहते हैं मतलब वही जो मूवी में दिखाया था उस टाइप का सीन है ना यार। नहीं नहीं वैसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, वैसी कॉलेज लाइफ होती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मिथ है। मतलब और क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, जाना नहीं हुआ? मतलब जैसे कुछ ना कुछ इवेंट वगैरह होते रहे, ऐसा कुछ इवेंट तो होते हैं यार, बहुत हमारे कॉलेज अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो कुछ नहीं आपके कॉलेज में, मेरे कॉलेज से ज्यादा यहाँ पे ना, यहाँ पे भी फ्रेशर्स वगैरह कुछ अरेंज किया कॉलेज की तरफ से, और जो बाहर से हो रहा है उसमें तो सीनियर से धीरे धीरे, मतलब ये रामस्वरूप बन रहा है, ये बात है। अभी वो डांडिया नाइट आने वाला है भाई, हम लोग 4 साल से हैं रामस्वरूप में, एक इवेंट हुआ है बस। यहाँ पे भाई कुछ प्लस पॉइंट मिल रहा है, देखिए रामस्वरूप तो निगेटिव में चल रहा है। प्लेसमेंट को लेके कुछ क्या सुनने में आया आपको? बहुत अच्छा है प्लेसमेंट, हमें बताई गई थी कि काफी अच्छी है। तो सीनियर से भी मिले थोड़ी कि कैसा हुआ? हां, वहां से अट्रैक्शन हुआ तो सीनियर अच्छे हैं। अच्छा, हो गया, मतलब प्लेसमेंट के बारे में बात भी हुई। प्लेसमेंट के बारे में, प्लेसमेंट से रिगार्डिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी प्लेसमेंट में हम लोग जाएंगे, अभी एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग क्या कहते हैं? और कोई कुछ कहना चाहता है? बस तो क्या रिकमेंड करेंगे आप? बीबीडी बेस्ट है, जिसे फ्रीडम चाहिए वो यहाँ आ जाए, बाकी जिसे पढ़ाई से इंटरेस्ट है, मस्ती ज़्यादा पढ़ाई का, फ्रीडम मस्ती करनी है तो बीबीडी आइए, पढ़ाई से करनी है तो आप समझ लीजिए कॉलेज लाइफ एंड करनी, तो प्लेसमेंट दोनों का बराबर ही है, ऑलमोस्ट सेम है। बस ठीक है, आई होप आप लोगों को कुछ यार समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो बीबीडी जाइए। क्यों, हम लोग को समझ में आ गया, वीडियो बनाते बनाते बीबीडी जीत रहा है भाई। अभी सेकंड से बात हुई थी, अभी जूनियर से बात कर लिया हम लोग, सब बीबीडी सपोर्ट कर रहे हैं। रामस्वरूप वाले तो आपने देख लिया, रोना ही रो रहे हैं अपना। रामस्वरूप नहीं, रावट स्वरूप, यहाँ पे आइए। बहुत अच्छा लगा आपको।